पदाकु आसला बीजेपी सरकार मिछ अन्य एक देशर विमान बंदर फटो को नहीं बहादुरी मारी यूपी बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जेवट ठारे नोएडा अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँकि देशर बड़ विमान बंदर रूपे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिलान्यास करते विमान बंदर काम 2024 सुधा सारा बोली प्रधानमंत्री निज अभिभाषण रखिथिले। आगुकु विमान बंदर टी केउ रूपरेख नबो सेतिपय बीजेपी सरकार यार एक फटो करथिले, किंतु ए फटो को नहीं एबे एक विवाद देखा दिउछि। असल रे बीजेपी जो फटो जारी करिछि ता हेउछि बेजिंग रो डाक्सिंग विमान बंदर रो फटो। ए फटो को देखाई सरकार निजर सफलता बखाणीथिले। बहु केन्द्रमंत्री और सरकारी बाबू माने ए फटो को नहीं मत प्रदान करथिले। वर्तमान ए फटो को नहीं मत रखिछन्ति चीन राष्ट्रीय स्वीकृतिप्राप्त मीडिया कर्मकर्ता केन सिवल। से कहते निजर सफलता और भित्तिमि प्रमाण लगी भारत सरकार का कर्मकर्ता माने चीन बेजिंग डैक्सिंग विमान बंदर फटो को व्यवहार कर विमान बंदर 1300 हेक्टर जमी में निर्माण होगा बेले मोट खर्च 10,050 कोटी टंका। तेब ये प्रश्न उठू उत्तर प्रदेश निर्वाचन पाखे आसुवा बेले बीजेपी फायदा नाक जापरी कम जाशु करुचे कि लोकों आगे निजर भावमूर्ति बजाय रखा को बीजेपी सरकार प्रयास करूने तो एमितर भी चाषी मैंने बीजेपी सरकार उपरे खप्पा अच्छा। चाषी आंदोलन में बहु संख्य चाषी मैंने मृत्युवरण करेणु निजर भावमूर्ति सुधारी पुणी उत्तर प्रदेश में भोट हाथ जनसाधारण पाखे बाहबा नेवाई यह प्रकृत में बीजेपी चाल था कि नहीं एवं बड़ प्रश्न उठी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा।